सत्यानाश, केटली वास मारे से, कितना गंदा रूम है। ची ची ची, हमको चंदन घसने के लिए क्यों कहा है? अरे वो सुगंधीदार साबुन, फिनाइल, वो सब भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। नहीं नहीं, साबुन का उपयोग पसंद नहीं है स्वामी जी को, इसीलिए इस कमरे की पूरी सफाई चंदन के पानी से ही होगी। काम शुरू करें। देखिएगा, बढ़िया सफाई करेंगे हम। पैसा नहीं ना, इधर ही बैठ जा, इधर बैठ के चंदन घिसेंगे। अरे इधर। और ये चंदन आपके लिए। लो, क्यों लिया मेरा सामान, चल हट यहाँ से। ये कैसे जगह आई हूँ मैं, मैंने तो अपने होल लाइफ में ऐसा सब नहीं किया। लगता है कई वर्षों से वीराना छाया हुआ है इस कमरे में। लेकिन साफ होने के बाद देखेगा, ये कमरा बहुत अच्छा लगेगा। चंदन का भरा हुआ कटोरा क्यों गिरा दिया पूरा तुमने? मैं जान के नहीं कितना। तूने मेरा कटोरा गिराया तो आप अपना कटोरा संभाल के दिखा। ले तो क्या नहीं है, मेरा कटोरा गिराना अच्छा लगा? फिर से हंगामा शुरू हो गया। अब देखो, अरे छोड़ छोड़, अरे तू छोड़, छोड़ ना तू। ये क्या कर रहे हैं आप लोग, रुकिए ना। अरे तुम क्यों पीछे बोल रही हो, अच्छा है ना, झगड़ा करेगी तो हार जाएगी। ए मिस इंडिया, तेरे को झगड़े का बड़ा शौक है ना, चल आ जा, आ जा, तेरे को दिखाती हूं। पारुल बहन, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? स्वामी जी को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, और काम भी खत्म नहीं हो पाएगा। छोड़ दीजिए ना, गलती हो गई, जाने दीजिए। ये छोकरी बोल रही है ना मिस इंडिया, इसीलिए मैं तेरे को छोड़ रही हूँ। पर याद रखना, मैं बाद में तेरे को देख लूंगी। सत्यानाश, ले मर। अरे ये दाग तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर हमें खाने का सोडा मिल जाए ना, तो उससे ये दाग आसानी से साफ हो जाएगा। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, हम रसोई में जाके सोडा लेके आते हैं। ठीक है। आप अपने पास रख लीजिए, जब भी आपको मेरी याद आए ना, आप इसे देख लीजिएगा, आपको लगेगा कि मैं आपके पास ही हूं। मेरा सारा चंदन गिरा दिया। ए नैनाड़ी, अब तो मैं तेरे को देख लूंगी। अभिनेत्री बनना चाहती हो, पर तुम तो मिस इंडिया। ओह माय गॉड, अब कैसे समझाऊं मैं आपको? ये देखिए, हम सोडा का घोल बनाकर ले आए। की तो आदत ही ऐसी, उसकी बातों को अपने दिल से मत लगाइए। बस अब खुश हो जाइए, अभी अपनी पूनम टीवी में आने वाली है। बच्चों, टीवी चालू करो। जरा हम भी तो देखें, कैसे नाम रोशन किया है आपकी बेटी ने। वैसे मुझे इतना पता है कि इस बार पूनम की वजह से बिजली का बिल ज्यादा आएगा। आपकी शहजादी साहिबा के दर्शन के लिए रोजाना आधा घंटा ज्यादा जो टीवी चलेगा,
स्वामी जी आ गए। उत्तम, बहुत ही सराहनीय कार्य किया है आप लोगों ने। ये कमरा अब बहुत सुंदर लग रहा है। अब समय आ गया है आज की विजेता के नाम घोषित करने का, जिसे आपके साथ साथ टीवी पर पूरा देश देखेगा। Oh my God, अब मुझे पूरा देश देखेगा। I'm looking for daddy. मैं तो यही दिखाना चाहता हूं लोगों को। अगर आप लोग कपड़े बदल कर यहां खड़ी होंगे तो कौन विश्वास करेगा कि आप लोगों ने इतना परिश्रम किया है। जी। सॉरी स्वामी जी, वो मैं सारा काम निपटा कर वॉशरूम चली गई। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। अरे वो देखो पूनम है, गर्व से सर ऊंचा कर दिया मेरी बहू ने। आज के कार्य का ये उत्तम परिणाम देख करके मैं बहुत खुश हुआ। इस दौरान मैं आप सबको परख रहा था। मैंने देखा कि इस कार्य के दौरान कुछ लोग बहस करने और झगड़ने में व्यस्त थे, कुछ लोग बातें करने में अपना समय नष्ट कर रहे थे, और कुछ लोग तो क्या कार्य करना है, कार्य का समय सोचने में ही गंवा दिया। कुछ लोग इस कार्य के दौरान नदारद ही थे। नो नो स्वामी जी, आज की प्रतियोगिता का उद्देश्य था आपकी निष्ठा, लगन और उत्तरदायित्वों को परखना। सर्वगुण नंबर वन की प्रतियोगिता में आज की विजेता हैं विद्या और अंबिका। जिसमें मैंने सर्वश्रेष्ठ पाया है विद्या। विद्या विशेष तौर पर प्रशंसा की पात्र है, जिन्हें सफाई के लिए खाने के सोडे का उपयोग करने का विचार आया। अगर हमें खाने का सोडा मिल जाए ना, तो उससे ये दाग आसानी से साफ हो जाएगा। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। लेकिन स्वामी जी, आप लोग बहुत थक गए होंगे, अब आप सब जाकर के विश्राम कीजिए। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। हमारे इटावा में कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। यहाँ सब लोग आपकी बेटी से उम्मीद लगाए बैठे थे, पर आपकी बेटी वो न जाने ऐसे समय पर कौन से ख्याली पुलाव पका रही थी। खुश विद्या बाबू ने तो कुछ किया ही नहीं, और ये किलर हाँ जेल में यही काम करती होगी। कचरा पोतू तो जीत गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फुला रही है कब से। सत्यानाश।
तो ये था सर्वगुण नंबर वन कॉन्टेस्ट के पहले दिन का लाइव कवरेज। कल हम आपको लाइव इसी समय इसी कॉन्टेस्ट के दूसरे दिन का रिजल्ट दिखाएंगे। हद तेरी की, इतनी तेज गाड़ी चलाकर आया फिर भी छूट गया। अब कौन जीता? आपकी प्यारी पत्नी। सच्ची? मुंह की खाकर रह गई देवरानी जी, पहली बार में ही नाक कटा दी सबकी। बहू तुम अपना मुंह बंद रखो। हार गई तो क्या हुआ? पहला ही तो दिन था, देखना हमारी पूनम जीत कर ही आएगी। कल किसने देखा दिया, मेरी तो पूरे मोहल्ले में नाक कट गई। अरे मामा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे वो पूनम जी है, पूनम जी, उनसे गुणवान कोई हो ही नहीं सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि पूनम जी कभी हार ही नहीं सकती। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।